मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 4 के इंग्लिश विषय के लेसन नंबर 6, जिसका नाम है सेव वाटर, के बारे में अध्ययन करेंगे। सेव वाटर यानी पानी बचाएं, ये बहुत ही अच्छी पोईम है, ठीक है। इसमें अपन को बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए और पानी को हमेशा बचा के रखना चाहिए, ठीक है। पढ़ना स्टार्ट करें बच्चों, ध्यान से पढ़ना। देखिए, व्हाट थिंग्स डू वी नीड टू लाइव, जीवित रहने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो मैं बताता हूँ आपको, जीवित रहने के लिए हमें कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो वी नीड्स एयर, वाटर एंड फूड्स टू लाइव, हमें जीवित रहने के लिए हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, हम पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो बताइए बच्चों, कहाँ से पानी आता है हमारे पास। तो मैं बताता हूँ, देखिए, वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, वेल्स, हैंड पंप्स एंड रेन, हम पानी नदियों, झीलों, कुओं और हैंड पंप्स और बारिश से प्राप्त करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डू यू थिंक यू विल वेस्ट वाटर, आपके विचार में लोग किस प्रकार से पानी बर्बाद करते हैं। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको पानी कैसे कैसे बर्बाद होता है। देखिए, पीपल लेट देयर वाटर टैप ऑन इवन दोज दे आर नॉट इन अस, दे यूज वाटर केयरलेसली, दस दे वेस्ट वाटर। मतलब लोग अपने नलों की टोटियों को काम में नहीं आने पर भी खुला छोड़ देते हैं, वे लापरवाही पूर्वक पानी का उपयोग करते हैं, इस प्रकार वे पानी बर्बाद करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू वी सेव वाटर, क्या हम पानी की बचत करते हैं। यस वी सेव वाटर, हाँ हम पानी की बचत करते हैं। देखिए अभी एक चित्र दे रखा है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि हम कैसे कैसे पानी को बर्बाद करते हैं। देखिए, पहला हमें बाल्टी भर चुकी है और पानी फैल रहा है। दूसरे में देखिए, एवरी ड्रॉप काउंट्स, ये जो नल से टप टप पानी गिरता रहता है ना, ये इससे पानी वेस्ट होता है। अब इधर देखिए, मंजन कर रहा है और पानी वेस्ट हो रहा है। इसमें देखिए, फवारे पर पानी वेस्ट हो रहा है। इधर सीढ़ियाँ धो रही है तो पानी वेस्ट कर रहे हैं। इधर बाल्टी भर चुकी है फिर भी पानी फैल रहा है, तो ये पानी वेस्ट हो रहा है। लेट्स रीड द पोयम, ठीक है, इस पॉइंट को पढ़ते हैं। देख, वाटर वाटर ऑल अराउंड, सेव एवरी ड्रॉप डेट कैन बी फाउंड, चारों तरफ पानी ही पानी है, पानी की प्रत्येक बूंद को बचाएं जो पाई जाती है, ठीक है। अब आगे देखिए, जो हमारे चारों तरफ पाई जाती है। अब देखिए, वेस्टिंग वाटर इज नॉट गुड सो यू नेवर शुड, अर्थात पानी को बर्बाद करना अच्छा नहीं है, इसलिए आपको पानी कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छी बात बताइए ना, पानी को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब देखिए, नेवर लेट यू टैप रन टर्न देम ऑफ एज सून एज यू आर डन, देखिए अपने नल की टोंटियों को कभी भी बहने नहीं दे, मतलब चालू नहीं छोड़े, जैसे ही आपके कार्य पूरे हो जाएं, नल की टोंटियों को जल प्रवाह रोक दे, मतलब उनको क्या कर दे, बंद कर दे। डोंट वेस्ट टाइम इन द शावर, योर हार्वेस्टेड वाटर शुड बी यूज्ड ऑन ए फ्लावर, फुहारा से स्नान करने में समय बर्बाद न करें, आपके संचित पानी का उपयोग एक पुष्प पर होना चाहिए, मतलब जो पानी आप वेस्ट कर रहे हो उसको आप पेड़ पौधों में दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, फालतू बर्बाद क्यों करते हो। अब आगे चलते हैं, वॉश योर कार इन द रेन सो नोट एज मच वाटर विल गो डाउन द ड्रेन, देखिए
अपनी कार को बारिश में धोएं ताकि ज़्यादा पानी गंदे पानी की नाली में नहीं जाए। आगे बात समझ में। यूज ए लिटिल ब्रेक इन दी टॉयलेट व्हेन यू फ्लश। पानी के वेग से शौच स्थल को साफ करते समय एक छोटे झटके का प्रयोग करें, मतलब जिससे ज़्यादा पानी नहीं जाए, है ना। अब आगे देखिए। सो द वाटर वॉन्ट गो डाउन इन ए गश, जिससे पानी तेज बहाव से नीचे नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा दबाना चाहिए उसको। ठीक है बच्चों। यू मस्ट रियलाइज वाटर इज गुड सो सेव इट, सेव एज एवरी वन नोज वी शुड एनी माउस। ठीक है, आपको जानना और समझना चाहिए कि पानी व्यक्ति या वस्तु के लिए अच्छा है, इसलिए पानी बचाएं। जैसे कि हम में से प्रत्येक जानता है कि हमें पानी की प्रत्येक बूंद बचानी चाहिए। यहाँ तक हो गया अपना पार्ट कंप्लीट। ठीक है बच्चों, कितनी अच्छी बात बताई है। देखो इसमें अपने क्या क्या पढ़ा, इसमें अपने पानी के बारे में पढ़ा कि हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को बचा के रखना चाहिए, पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो क्रॉस क्रॉस के निशान लग रहे हैं इसमें, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको, पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी ही जीवन का आधार है। ठीक है बच्चों, अभी अपनी पॉइंट समाप्त होती है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है बच्चों।